वेलकम टू संजीता शो द एपिटाइजर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीता। वेलकम बैक टू माय चैनल द एपिटाइजर। आज मैं आपके साथ होममेड ब्रेड क्रम्स कैसे बनाते हैं ये मैं बताऊंगी, जिसे आप किसी भी पकोड़े के आइटम में, जैसे पनीर पकोड़ा हुआ या फिर वेज पकोड़ा या चिकन पकोड़ा या वेज कटलेट या चिकन नगेट्स, जैसे बहुत सारे रेसिपीज में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर वाइट ब्रेड का यूज किया है और ये हमारा फ्रेश ब्रेड है। इसे आपको फ्रिज में एटलीस्ट 7 to 10 days के लिए आप इसे ओपनली रखिए, ताकि इसकी जो मॉइस्चर, जो सॉफ्टनेस होती है ब्रेड में, वो पूरी तरह से ड्राई हो जाए। ये देखिए, हाथ से हमारा प्रेस भी हो रहा है क्योंकि ये फ्रेश ब्रेड है। और हमें ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए हमें पूरी तरह से ड्राई ब्रेड चाहिए, तो मैंने पहले से ही फ्रिज में 10 days के लिए मैंने कुछ ब्रेड को रख दिया था। और ये हमारा पूरी तरह से ड्राई ब्रेड है। ये देखिए, मैं इसे हाथ से प्रेस भी कर रही हूँ तो ये प्रेस नहीं हो रहा है, कड़क है। ये मेरा परफेक्ट है ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले लिया है और यहाँ से ये जो हमारा जो ड्राई है, ये ड्राई ब्रेड को हम इसे तोड़ेंगे। देखिए, इस तरह से तोड़ते हुए छोटे छोटे टुकड़े पे आप हाथ से तोड़ लीजिए। तोड़ कर आप एक प्लेट में निकालते जाइए। इस तरह से आप सारे ब्रेड को तोड़ लीजिए। देखिए, मैंने इस ब्रेड्स को अच्छे से तोड़ लिया है और इसे प्लेट में फैला भी दिया है। और अब मैं इसे धूप में एटलीस्ट 2 hours के लिए रखूँगी। आप चाहो तो बिना धूप में दिए हुए डायरेक्ट आप मिक्सी में ग्राइंड कर भी सकते हो, और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसे एटलीस्ट 2 hours के लिए इसे धूप में डाल दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और उसके बाद आप इसे ग्राइंड कर लीजिए मिक्सी में। 2 hours मैंने इसे धूप में रखा था और अब मैं इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। मैंने इसे मिक्सी में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और हमारा ब्रेड क्रम्स तैयार है, ये देखिए। और अब आप चाहे तो आप इसे एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप फ्रिज में रख सकते हैं, वो भी लंबे समय तक के लिए। आप चाहो तो वाइट ब्रेड्स की जगह पर आप ब्राउन ब्रेड्स भी यूज कर सकते हो। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।